दक्षिण भारत के मशहूर कलाकार विशाल ने एक आरोप लगाया है सीबीएफसी पर कि वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, और उन्होंने सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर दो अकाउंट का भी जिक्र किया है और कहा है कि कैसे उन्होंने 6.5 लाख रुपए की रिश्वत दी। इसको लेकर IFTDA जो संस्था है इसने CBI जांच की मांग की है। हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित जी हैं जो कि IFTDA के अध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले तो ये आरोप, एक्टर विशाल ने आरोप लगाया है कि 6.5 लाख रुपए उनको रिश्वत देने पड़े सर्टिफिकेशन के लिए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये आरोप बहुत गंभीर है और हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सीरियस मामला है, काफ़ी सेंसिटिव मामला ही है। इसीलिए आज IFTDA ने एक लेटर लिखी है अनुराग ठाकुर साहब को और प्रसून जोशी जी को कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन IMPA ने भी एक चिट्ठी लिखी है अभी 10 मिनट पहले अनुराग ठाकुर जी को और प्रसून जोशी जी को कि इसकी एक CBI लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सटॉर्शन अगर है तो बहुत ही सीरियस मैटर है। और आज के टाइम पे जब सारा मटेरियल, सारा सिस्टम जो है CBFC का डिजिटाइज हो चुका है, सिस्टमेटिक हो चुका है, हर प्रोड्यूसर जो अपना स्टेटस देख सकता है अपने फ़ोन पर कि उसकी फिल्म कहाँ पहुँची है, स्क्रीनिंग कितने बजे है, कौन नहीं है, सिस्टमेटिक हो चुका है। और प्रसून जोशी जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया इसको लेके। तो पहले हुआ करता था जब आपकी फिल्म पहले दिखा दें उसके लिए पैसे लिया करते थे, करप्शन पहले होता था बहुत, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था। दूसरी बात, जो आप दो नाम विशाल ने जो डील किए कि इस पर पैसे ट्रांसफ़र किए, एक को 3 लाख, दूसरे को 3.5 लाख रुपया, तो ये जो दो नाम हैं ये CBFC के ऑफिशियल्स नहीं हैं, ये मैंने पता लगाया। अब वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की मुरव्वत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है। इसलिए टॉप लेवल पे इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि पहले भी जब हुआ था बहुत साल पहले तो CBI इंक्वायरी हुई थी और उसमें करप्शन के चार्जेस जो CEO थे उसके आगे लगे थे, वो सस्पेंड भी हो गए थे, वो ट्रांसफर भी हो गए थे। तो CBI लेवल की इंक्वायरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर और जहां पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हो जाती है इसमें इन्वॉल्व। और इसका अगर ये सत्य है कोई इसमें इन्वॉल्व है CBFC का कोई एम्प्लॉई, तो ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि जो रीजनल सिनेमा हमारा है, जो भोजपुरी सिनेमा है, जो मराठी सिनेमा है, जो गुजराती सिनेमा है, जो रीजनल सिनेमा जो बहुत ही कम बजट में फिल्में बनाते हैं, उनके लिए जब पिक्चर बनाकर रिलीज करना जो है एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही खर्चा होता है, बहुत लोग तो कर्जे ले लेकर फिल्में बनाते हैं। उस टाइम पर अगर आपसे पैसे मांगे जाएँ और ये कहा जाए कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी और आपकी फिल्म स्क्रीनिंग नहीं करेंगे हम जब तक आप 6 लाख रुपये नहीं दोगे, तो वो आदमी वैसे ही मर जाएगा, वो प्रोड्यूसर वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये हुआ है और ये सिस्टम है CBFC में या कोई बदमाशी कर रहा है उसके अगेंस्ट सीरियस एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आदत हो जाएगी लोगों की और इंडस्ट्री जो है सफ़र करेगी। अशोक सर, आमतौर पर ऐसे जब भी आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, किसी ने रिश्वत मांगे, कोई टॉप का व्यक्ति सामने कभी नहीं आता। साउथ के बहुत बड़ा नाम है विशाल, अगर उसने ये बात लिखी है तो कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता नजर आती है, और विथ प्रूफ बैंक के ट्रांजैक्शन, जो भी ये बैंक का डिटेल भी दिया हुआ है। देखिए, मैं इन्हें कह रहा हूं कि वो विक्टिम नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने पैसे दिए हैं सर्टिफिकेट के लिए, आपको नहीं देने चाहिए थे। आपने फिल्म को दिखाने के लिए पैसे दिए हैं, तो जो बंदा पैसे देता है करप्शन को इनक्रेज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सवाल उस पर भी उठता है। पहली बात, आपने पैसे दिए ही क्यों? आपको प्रसून जी को फ़ोन करना चाहिए था, सिस्टम है पूरा, आपको CEO को फ़ोन करना चाहिए था कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। अब ये बात समझ में आती है क्योंकि आप प्रेशराइज होते हो, आपकी फिल्म रिलीज होती है तो आप बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हो लाइफ में। ये दो आदमी जिसको आपने पैसे दिए हैं, कौन है ये लोग, अब बताइए ना, कौन है ये लोग, किसने आपको इनके बैंक अकाउंट दिए हुए हैं? सो एंटायर डिटेल्स मैं यही कह रहा हूँ, जब इंक्वायरी होगी तो विशाल बोलेगा ना कि भैया ये दो आदमी है जिसका अकाउंट नंबर दिए, मेरे को फलाने एजेंट ने दिए हैं, ये फलाने ऑफिसर ने मुझे कहा कि ये दो अकाउंट जो है इसमें नाम डालिए। क्योंकि अगर ऑफिसर इन्वॉल्व होगा तो अपना अकाउंट तो देगा नहीं, हो किसी ने किसी को सामने खड़ा करेगा करेगा ना, करप्शन तो ऐसे ही होता है, कोई इसके होंगे एजेंट्स। तो डिटेलिंग हमारे सामने, लोगों के सामने तब आएगी जब इसकी इंक्वायरी होगी ना, जब लोग उठाए जाएंगे तो वो अपना बोल देंगे कि किसने हमसे पैसे मांगे, किसने पैसे नहीं मांगे हमसे, और कौन क्यों क्यों कोई पैसे मांग रहा है। सर, आप भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों के लिए आप भी बहुत भाग दौड़ करते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, कभी आप
क्या पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपकी फिल्म को रोका जाए आखिरी समय तक और इस प्रकार से प्रेशराइज किया जाए कि करप्शन हो, पैसे के लेन देन हो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है अभी, सिस्टम मैं कह रहा हूँ आपसे बदल चुका है। अगर सपोज किसी प्रोड्यूसर की फिल्म डिले हो रही है, नहीं देखी जा रही है, काफी टाइम लग रहा है, तो प्रोड्यूसर इम्पा में अप्रोच करता है और इम्पा तुरंत जो है वो सेंसर बोर्ड में लेटर लिखती है, उनको इन्फॉर्म करती है कि वाई दिस प्रोड्यूसर की फिल्म अभी तक देखी क्यों नहीं गई है, आप डिले क्यों कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उस पर एक्शन हो जाता है। सिस्टम में अगर आगे पीछे कुछ हो रहा है और आप जानबूझ के अगर उसको डिले कर रहे हो फिल्म को, तो फिर हमारी एसोसिएशन से जो इसके अगेंस्ट एक्ट करती है, फिर टॉप लेवल पर फोन करती है, तो रेमेडीज बहुत हैं। अगर आपको तंग किया जा रहा है और आपको आपको लगता है कि 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए मेरी फिल्म नहीं देखी जा रही है, या मुझे सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो इमीडिएटली एक्शन लेती है। तो वो टाइम जा चुका है अभी कि आप अपनी फिल्म को डिले कर रहे हैं, आप पैसा मांग रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल जो है आपकी फिल्म का, सपोज मैंने अभी फिल्म ऑनलाइन सबमिट की है, 10 मिनट के बाद फिल्म कहाँ पहुंची है, आपकी स्क्रीनिंग कौन सी डेट को है, कौन आपके मेंबर्स आपकी फिल्म देख रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आपके फोन पे आ जाता है, तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। मैं एज अ प्रोड्यूसर मॉनिटर करता हूं कि मेरी फिल्म किस स्टेज, किस स्टेटस पे, किस स्टेज पे अभी है। तो जमाना जा चुका है जब फाइलें घुमा करती थी, अब फाइलें नहीं घूमती, अब पूरा इमीडिएटली वो लाइनअप हो जाता है। तो ये बहुत ही रेयर केसेस है जहां पर ये हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना मॉडर्नाइज करने के बाद सिस्टम को, अगर अभी भी ये कैंसर है तो इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। एक मेरा आखिरी सवाल, आपने जो पत्र लिखा है इसकी सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि मुंबई, महाराष्ट्र में भी सक्षम एजेंसियां हैं जो इसकी जांच कर सकती हैं, क्या आपके मन में संदेह है कि इस अगर कथित तौर पर ये भ्रष्टाचार है तो उसका दायरा बहुत बड़ा होगा, इसलिए सीबीआई की जांच आप मांग रहे हैं, या फिर मुंबई पुलिस एजेंसियों पर यहाँ पे आपको भरोसा नहीं? देखिए सीबीएफसी जो है वो सेंटर के अंडर आता है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर, स्टेट का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और स्टेट करता है तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सीबीआई पिछली बार भी हुआ था जब करप्शन, तो सीबीआई ने इंक्वायरी की थी, और फेथ विश्वास की बात है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी होगी इसमें, स्टेट गवर्नमेंट आईएनबी मिनिस्ट्री सीबीएफसी डजंट कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंटर के अंडर आता है, इसलिए हमने कहा कि सीबीएफसी की इंक्वायरी अगर करनी है ऑफिसर्स के अंदर, तो सीबीआई को करना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लोकल पुलिस पे फेथ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज सीबीएफसी इट कम्स अंडर सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए हमने कहा सीबीआई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अशोक पंडित जी, जिनका कहना है कि बेहद गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए, क्योंकि यदि इसका हल नहीं निकलता तो इसका खामियाजा छोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो रीजनल फिल्म्स बनाते हैं उन्हें ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।